इस वीडियो में जो मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ, एक तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, यानी कि अगर आप फ्लैट लेना चाहें तो भी परचेस कर सकते हैं। इसमें दुकान भी अवेलेबल है। दुकान का इन्वेस्टमेंट दोस्तों हमेशा रेसिडेंस से ज्यादा एप्रिशिएटिव रहता है, बेनिफिशियल रहता है। एयरपोर्ट से 5 से 10 मिनट की दूरी पे अंधेरी ईस्ट में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे। अभी चलते हैं, मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। अभी जो कुछ झलकियाँ मैंने दिखाया है आपको, इसका मैं आपको पूरा ब्रीफ बताता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूँ विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ लोन का भी काम में पूरी आपका मदद करते हैं। लोन में जैसे किसी का बैलेंस ट्रांसफ़र करना हो, मॉर्गेज लेना हो, होम लोन लेना हो, तो उसमें भी हमारी लोन एक्सपर्ट टीम काम करती है। उसके लिए भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। डेवलपर से हम लोग होलसेल में प्रॉपर्टी लेते हैं सेल करने के लिए, और उसका जो बेनिफिट होता है वो हम अपने कस्टमर से डायरेक्टली शेयर करते हैं। प्राइड ग्रुप का कंस्ट्रक्शन है, आइए देखते हैं पूरा डिटेल में। अभी मैं आपको 2 BHK का प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, प्राइड पनोरमा का। वैसे तो इसमें 5 टाइप की प्रॉपर्टी है, 1 BHK, 1.5, 2, 2.5 एंड 3 BHK। अभी देखते हैं इसका 2 BHK उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी मैं आपको कुछ 3D और PDF के जरिए, इमेजेस के जरिए आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ से इसका 2 BHK फ्लैट स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है ना फ्लैट, ये डेमो फ्लैट है, सैंपल फ्लैट है तो एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर ही, बट ये सैंपल फ्लैट है, फर्नीचर वगैरह करके दिया हुआ है। आपको जो फ्लैट मिलेगा ये रॉ फ्लैट मिलेगा। अभी आप देखें कि यहाँ पे जो है थोड़ा इसका लेंथ काफ़ी बड़ा है हॉल का, और करीबन 10 फुट का हाइट मिलेगा आपको फ्लैट के अंदर। हर एक फ्लैट में आपको हॉल के बाहर करीबन 3 से 4 फुट का छज्जा दिया हुआ है, एसी का आउटडोर रखा हुआ है। आफ्टर ओसी आने के बाद अगर सोसाइटी परमिट करती है तो इस छज्जे को आप ऊपर ले सकते हैं, ऊपर लेके इसको एज ए बालकनी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक विंडो आपके जस्ट पीछे साइड है, और उसके बाद उसके वेंटिलेशन के लिए इधर भी एक विंडो दिया हुआ है इन्होंने, तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो जाता है फ्लैट के लिए, हवा ब्लॉक नहीं होता है। इसके बाद इस तरफ डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया दिया हुआ है प्रॉपर। एक देखें, इसकी लेंथ इतनी है कि दोनों साइड सेट हो गया है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है। इसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ लिविंग डाइनिंग से। पहले आपको किचन मिल रहा है, किचन के बाद फिर आगे कॉमन वॉशरूम है। वास्तु को भी इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान में रखा है। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और आगे एक बड़ा सा इन्होंने स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर आप फ्रंट लोडिंग या फिर टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज का स्पेस, और एक विंडो के साइड से कैसा व्यू आ रहा है किचन का वो देख लें। किचन से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको आ रहा है कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में स्टार्ट में आपको मिल रहा है बेसिन, उसके बाद कमोड, और उसके बाद आपको शावर एरिया मिल रहा है जहाँ पे सारे प्लम्बिंग जो एसेसरीज है वो सारे ब्रांडेड है। प्लस यहाँ बाथ टब के लिए भी प्रॉपर जगह है, आप बाथ टब भी डाल सकते हैं। एक बार मैं अंदर के साइड से अप टू डाउन व्यू करके दिखाता हूँ। और इसके बाद इसका दोनों बेडरूम देखते हैं कैसा बनाया हुआ है, कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में टीवी यूनिट का एरिया बना हुआ है, स्टडी टेबल बना हुआ है। इसमें भी आपको करीबन 2.5 से 3 फुट का छज्जा दिया हुआ है, ये पूरे बेडरूम का लेंथ है। और ये देखें, करीबन 3 फुट का छज्जा बना हुआ है, और विंडो के साइड से एक बार मैं पूरे बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ। 6x6 का बेड रखा हुआ है, वार्डरोब बना हुआ है। इसके बावजूद भी करीबन 2 से 3 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है मूव करने के लिए। और अब
मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम कैसा आपको मिलने वाला है। वॉश बेसिन का प्लेटफॉर्म इस तरफ दिया हुआ है, उसके बाद कमोड, उसके बाद इस तरफ दिया हुआ है शावर एरिया। डेवलपर आपको क्या फिनिशिंग दे रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाहर जो स्पेस आपको इस तरह का मिलेगा, इसको सोसाइटी का मेंटेनेंस के लिए अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, सोसाइटी अगर परमिट करती है तो। वॉशरूम के बाद आगे देखते हैं ये बेडरूम कैसा है। कॉमन बेडरूम के बाद, कॉमन बेडरूम यानी नॉन अटैच्ड वॉशरूम, कॉमन बेडरूम गेस्ट बेडरूम आप बोल सकते हैं, उसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, ये अटैच्ड वॉशरूम वाला मास्टर बेडरूम है। और इसके बाहर भी 3 से 4 फुट का छज्जा दिया हुआ है। और ये देखें वार्डरोब, और 6x6 का या 6x7 का भी अगर आप बेड डालते हैं तो भी एक अच्छा खासा 3 से 4 फुट का स्पेस आपको मिलता है यूज़ करने के लिए। टीवी यूनिट एरियाज, हाइट टेबल वगैरह सब कुछ बना हुआ है। एक बार मैं अंदर के साइड से पूरा आपको दिखाता हूँ, ये फ्लैट किस टाइप का है। उसके बाद बीच का पैसेज, लिफ्ट एरिया कैसा बनाया हुआ है ये आप देखें। इसका पैसेज, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट, और इस तरफ मिल रहा है आपको एक स्टेयरकेस। अभी जो आपने फर्नीचर किया हुआ जो फ्लैट दिखा है उसी का मैं आपको खाली फ्लैट दिखा देता हूँ, क्या क्या आपको डिलीवरी मिलेगा, फ्लैट किस टाइप का रहेगा वो देख लें। यहाँ से ये फ्लैट स्टार्ट हो रहा है, देखें 20 से 25 फुट का इसका लेंथ है हॉल का, और बाहर आपको 4 फुट का छज्जा दिया हुआ है, और विंडो के साइड से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ पूरे फ्लैट का। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। इस तरफ किचन दिया हुआ है, उसके आगे जब आप आएंगे तब वॉशरूम दिया हुआ है, आइए देखते हैं। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, सर्विस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको बड़ा सा स्पेस मिल रहा है वॉशिंग मशीन के लिए। यहाँ वाटर टैप भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट भी दिया हुआ है। और विंडो के साइड से भी एक बार देखें, इधर फ्रिज का स्पेस। इससे जब आप आगे आएंगे तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है, पाउडर वॉशरूम बोल सकते हैं, गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है। और अब मैं ले चलता हूँ, इधर कॉमन बेडरूम है, सामने मास्टर बेडरूम है, तो पहले कॉमन बेडरूम देखते हैं। इसमें भी आपको बाहर छज्जा मिल रहा है करीबन 2 से 2.5 फुट का। और एक बार खिड़की के साइड से आप देख लें, और अभी चलते हैं, मैं इसका मास्टर बेडरूम आपको शो करता हूँ किस टाइप का है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है, और मास्टर बेडरूम का वॉशरूम कैसा आपको मिलने वाला है, डेवलपर आपको क्या देने वाले हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मास्टर बेडरूम का स्पेस कॉमन बेडरूम से ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, ये आप देखें। उस तरफ वार्डरोब और बेड डालने के बाद भी अगर आप 7x7 का भी बेड डालें तो भी काफ़ी स्पेस आपको मिलेगा। बाहर करीबन 4 फुट का आपको छज्जा मिल रहा है। आफ्टर OC ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद अगर सोसाइटी में सभी लोग ही इसको बड़ा करना चाहेंगे, उसको ऊपर लेके बालकनी बनाना चाहेंगे, तो अगर आप वो भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अगर आप सोसाइटी परमिट करती है छज्जे को यूज़ करने के लिए। तो काफ़ी सारे सोसाइटी में ये प्रैक्टिस देखने को मिलता है कि छज्जा बड़ा होता है तो उसको बालकनी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका हाइट
ले लेते हैं। तो ये मैंने आपको 2 BHK का फ्लैट दिखाया है, अभी मैं 3 BHK का फ्लैट दिखा रहा हूँ प्राइड पनोरमा का। ये जो 928 स्क्वायर फुट का है और ह्यूज लग्जरियस फ्लैट है ये। इस तरफ दिया हुआ है डाइनिंग एरिया और इस तरफ लिविंग एरिया दिया हुआ है और बटरफ्लाई डिज़ाइन बोलते हैं फ्लैट को, जिसमें नो वेस्टेज हो जाता है, पैसेज का एरिया वेस्टेज बच जाता है। इस तरफ एक बेडरूम दिया हुआ है, इस तरफ किचन और 2 बेडरूम दिया हुआ है। तो आइए पूरा फ्लैट देखते हैं। ये करीबन 22 फुट की इसकी लेंथ है। ये आप देख सकते हैं पूरे हॉल मैदान से सा हॉल है इसका, और इसके बाहर विंडो के बाहर आपको 2 फुट का तकरीबन छज्जा मिलेगा। रोड का व्यू है ये, और विंडो के साइड से यहाँ पे आपको पूरे डाइनिंग का व्यू मिल रहा है। करीबन 8 से 10 चेयर का आप डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं। पहले मैं इस तरफ दिखाता हूँ आपको। ये सबसे बड़ा बेडरूम है, ये आप देख सकते हैं। स्टार्ट में दिया हुआ है वार्डरोब का जगह, और इस बेडरूम की लेंथ ये आप देख लें। और ये विंडो के साइड से मैं कवर करके दिखा रहा हूँ। इस तरफ इसका वॉशरूम देख लें आप। स्टार्ट में बेसिन, कमोड और एंड में दिया हुआ है शावर एरिया। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको किचन, कॉमन वॉशरूम, पावर वॉशरूम वगैरह कैसा है। ये इसका किचन है, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और एंड में दिया हुआ है इसका वॉशिंग मशीन का स्पेस। ये आप स्पेस देख सकते हैं, जहाँ पे वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का टैप भी दिया, कनेक्शन भी दिया हुआ है, प्लम्बिंग का टैप दिया हुआ है। स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस है। ये जो वो फ्लैट्स है जो आपको डिलीवर मिलेगा, तो कैसा मिलेगा वो आप देख लें। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इस तरफ कॉमन बेडरूम है, ये कॉमन वॉशरूम है। स्टार्ट में बेसिन, कमोड और एंड में दिया हुआ है शावर एरिया। शावर एरिया को आप डिवाइड कर सकते हैं, बाथ टब भी डाल सकते हैं, ग्लास डोर भी आप चाहें तो वहाँ पे डाल सकते हैं। और इस तरफ इसका दिया हुआ है कॉमन बेडरूम। बाहर आपको दिया हुआ है छज्जा करीबन 2 से 2.5 फुट का, वो देख लें। और ये इसके लेंथ है कॉमन बेडरूम का। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ थर्ड मास्टर बेडरूम कैसा है। यहाँ से इसका तीसरा मास्टर बेडरूम शो कर रहा हूँ। मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम मिल रहा है। इसमें भी अंदर एक प्रॉपर स्पेस है। और ये मास्टर बेडरूम सबसे बड़ा एरिया है इसका। इसके बाहर का 4 फुट का छज्जा भी आपको दिया हुआ है। इसके बाद ये मैं विंडो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ, और एक बार अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का व्यू मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये हम आ गए फिर से हॉल में। इस तरफ इसका एक मास्टर बेडरूम है, और यहाँ तक इसका 3 BHK एंड हो रहा है। अभी मैं आपको प्राइड पनोरमा का मॉडल यानी बिल्डिंग बनने के बाद किस टाइप का दिखेगा, वो कैसा इसका व्यू वगैरह आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक डिसूजा रोड है, यहाँ से आप मुश्किल से 10 सेकंड में कनेक्ट कर जाते हैं अंधेरी कुर्ला रोड को। और इसके ग्राउंड फ्लोर पे सारे कमर्शियल दुकानें आएगा। दुकान भी मैंने बताया कि सेल करना है, आगे मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या साइज़ की दुकानें हैं। शॉप्स भी इसमें सेल करना है। 2 गेट है इसका, एक एंट्री और दूसरा एग्जिट का। और रूफटॉप पे भी कुछ एमेनिटीज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ओपन टू स्काई एमेनिटीज दिया हुआ है। टर्फ, लूडो, चेस और भी कुछ आएगा, फिलहाल जो बना हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ गार्डन उन्होंने डेवलप किया हुआ है। बैक साइड में सारी एमेनिटीज का पूरा एक फ्लोर डिजाइन किया हुआ है। सी टाइप में पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, 5 विंग का, ABCDE का, ये आप देख सकते हैं। और बीच में जो आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल के लिए अलग ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जॉगिंग ट्रैक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इसके जस्ट बाजू में एक बड़ा सा
सारा म्यूनसिपैलिटी का यहाँ बीएमसी का गार्डन भी है, इसके खुद के भी गार्डन है यहाँ पे, बट बीएमसी का भी गार्डन है यहाँ पे। जो बिल्डिंग बन के जब आएगा तो इस टाइप का आपको बाहर से पूरा व्यू करेगा प्राइड ग्रुप का। आज मैं खड़ा हूँ 23 मई 2024 में, आज का मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। जब आप वीडियो देख रहे होंगे, किस टाइम पे देख रहे होंगे, उस टाइम प्राइस क्या होगी, क्या अवेलेबिलिटी होगा, क्या कंस्ट्रक्शन स्टेज होगा, उस दिन आप फ़ोन करेंगे तो मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। प्राइड पनोरमा के लोकेशन पे खड़ा हूँ और इसकी जो बिल्डिंग है आप देख सकते हैं 8 माला बन चुका है और 12 माले 15 माले से ऊपर की परमिशन मिलती नहीं है एयरपोर्ट के पास का। बिल्कुल 5 मिनट में यहाँ से एयरपोर्ट है। 56% ड्यू हो चुका है ये प्रोजेक्ट, और जैसे आपको प्रॉपर्टी खरीदना हो तो 56% आपको पेमेंट देना पड़ेगा, चाहे आप लोन करके दें, सेल्फ फंड दें, कैसे भी दें। आइए अब इसका पूरा डिटेल में ब्रीफ के साथ जानते हैं, साइजिंग, प्राइसिंग, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एमिनिटीज क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, वो सब कुछ समझते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders, with 100 plus team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube. The best real estate company. Property Plaza Vikas Varnavar. अभी जो आपने प्रॉपर्टी देखा है प्राइड पनोरमा, ये प्राइड ग्रुप का कंस्ट्रक्शन है। आइए कुछ डिटेल मैं पूरा बता देता हूँ आपको इस प्रॉपर्टी का क्या है। प्राइड ग्रुप डेवलपर हैं और लोकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अंधेरी कुर्ला रोड साकीनाका अंधेरी ईस्ट में बना रहे हैं ये। 25 से 30 साल पुरानी कंपनी है, काफी जगह इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कुछ मैं आपको 4-5 रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, जिसमें पार्क रॉयल, प्राइम कॉर्पोरेट पार्क, द स्पायर्स पुणे, पार्क लैंडमार्क पुणे, प्राइड पिगोस बेंगलोर, ऐसा इन्होंने अलग अलग मेट्रो सिटीज में कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब इसके डिटेल जानते हैं। 2.5 एकड़ का इसका फ्री होल्ड लैंड है, 60% में कंस्ट्रक्शन है और 40% इसका पूरा ओपन एरिया है। 12 माले का 5 विंग्स हैं इसमें, ABCD और E। अंदर ईस्ट के एरिया में देखें ना कि एयरपोर्ट के कारण 12 और 15 माले से ऊपर की प्रॉपर्टी बनती नहीं है। 250 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, किसी विंग में 4 फ्लैट है, किसी विंग में 5 फ्लैट है, एक एक फ्लोर पे 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 1-1 स्टेयरकेस सारे विंग्स में दिया हुआ है। इसके अंदर की जो फ्लैट की हाइट रहेगी ग्राउंड से लेकर रूफ की, वो करीबन 10 फुट की हाइट रहेगी। रेजिडेंशियल फ्लैट इसका बन रहा है फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर पे बैक साइड में कुछ इसके एमिनिटीज दिया हुआ है। 2 से 3 लेवल का इसका बेसमेंट पार्किंग दिया हुआ है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे लेवल में इसकी पूरी पार्किंग का प्रोविजन किया हुआ है। 8 स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है, 56% पेमेंट इसका ड्यू हो चुका है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 56% आपको पेमेंट यहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा, चाहे आपका सेल्फ फंड हो या फिर होम लोन हो, किसी भी क्राइटेरिया में 56% आपको पेमेंट इनको देना है। रेरा की वेबसाइट पे अगर आप कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P518-0003458। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं क्या साइजिंग, प्राइजिंग, क्या अप्रूवल मिला हुआ है, ये सब आप लाइव जाके जान सकते हैं। प्राइजिंग तो रेरा में नहीं रहता है, साइजिंग, अप्रूवल, पोजीशन, डेट, लैंड का जो टाइटल है वो सब आपको वहां पे देखने को मिलता है। रेरा में जो इसका पोजीशन डेट है वही सेम बिल्डर का भी पोजीशन डेट है। ABC विंग का इनका December 2025 है और D&E का 2026 है। सेम डेट को आपको ये हैंडओवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज का। पूरे टावर में CC आ चुका है, ये इसका QR कोड है, इसको स्कैन करके भी सारा डॉक्यूमेंट आप इजी वे में देख सकते हैं अपने गूगल स्कैनर से स्कैन करके। इसमें जो व्यू का काफी खूबसूरती है क्योंकि एयरपोर्ट के पास में है, यहाँ से आपको एयरपोर्ट का व्यू मिलता है। कुछ फ्लैट से आपको जो अंदर की एमिनिटीज बनी हुई है वो एमिनिटीज व्यू मिलता है। नॉर्थ साइड में पूरे अंधेरी ईस्ट का पूरा व्यू मिलता है। लोकैलिटी इसमें सभी टाइप के लोगों के लिए वेलकम है, सभी कस्टिज्म के लिए वेलकम है, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सारे बैंकों से लोन भी हो जाएगा। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें, लोन के रिलेटेड भी कोई इंक्वायरी हो ना, अगर आपको मॉर्गेज लोन करना हो या फिर किसी प्रॉपर्टी पर टॉपअप लेना हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने के कारण EMI ज्यादा आ रहा है, तो वो बैलेंस ट्रांसफर करना हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन के रिलेटेड भी हमारी लोन एक्सपर्ट टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। अगर आपको लोन उस टाइप पे भी लेना हो तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आता हूं मैं प्राइजिंग और साइजिंग पे, कुछ एमिनिटीज कनेक्टिविटीज समझ लेते हैं इसका। सारे क्लास एमिनिटीज यहां पे आपको ये दे रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, जिम्नासियम, टेरेस गार्डन, बाइसाइकिलिंग पार्किंग स्पेस, गेम जोन, ग्रैंड एंट्रेंस, लॉबी, टॉडलर जोन, फिटनेस सेंटर, ओपन पार्टी एरिया, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, सीनियर सिटीजन एरिया, सिट आउट एरिया, रूफ टॉप टेरेस, काउंटर सर्विस स्पेस। ये तो मैंने आपको सारी एमिनिटीज बताया। कुछ मैं कनेक्टिविटी बता दूं, 2 से 10 मिनट के अंदर साकीनाका मेट्रो स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, टेरेसा हाई स्कूल, सेंट जूड हाई स्कूल, डॉन
बॉस्को कॉलेज, सिटी हॉस्पिटल, मैकडोनल्ड, सेवन हिल हॉस्पिटल, डी मार्ट, बिग बाजार, अंधेरी रेलवे स्टेशन, इन्फिनिटी मॉल, ओबेरॉय मॉल, ये सब आप 15 से 20 मिनट के अंदर, कुछ 10 मिनट के अंदर, कुछ 5 मिनट के अंदर ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। पांच टाइप की प्रॉपर्टी है, 1 BHK, 1.5, 2 BHK, 2.5 और 3 BHK, जिसमें 1 BHK का 3 साइज है, जिसमें 505, 510 एंड 537, 505, 510 और 537, जिसकी प्राइस है 1.6 करोड़ से लेके 1.32 करोड़ के बीच में, यानी 1.06 CR to 1.32 CR। 1.5 BHK, 1.5 BHK में आते हैं, यानी कि स्मार्ट 2 BHK आप बोल सकते हैं, जिसमें 542 यानी 542 स्क्वायर फुट का 1.5 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 1.13 करोड़ से लेके 1.34 करोड़ के बीच में है। अब आते हैं प्रॉपर 2 BHK में। 2 BHK का 3 साइज है, 658, 672 और 703, यानी कि 658, 672 और 703 स्क्वायर फुट का 3 साइज में इसमें 2 BHK दिया हुआ है, जिसकी प्राइसिंग 1.38 करोड़ से लेके 1.73 करोड़ के बीच में, यानी कि 1.38 CR to 1.73 CR। 2.5 BHK में एक ही साइज है, 823 स्क्वायर फुट का, 823 स्क्वायर फुट का इसका 2.5 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 1.72 करोड़ से लेके 2.03 करोड़ के बीच में, यानी कि 1.72 CR to 2.03 CR। अब आते हैं 3 BHK में। 3 BHK में 840, 872 और 925, 840, 872 एंड 925, 3 साइज में यहाँ पे 3 BHK बना हुआ है, जिसकी प्राइसिंग 1.76 CR to 2.28 CR, 1.76 करोड़ से लेकर 2.28 करोड़ के बीच में है। इसमें शॉपिंग भी, दुकान भी अवेलेबल है, अगर आपको शॉप में इन्वेस्टमेंट करना हो और एक अच्छा बेस्ट एप्रिसिएशन पाना हो, अच्छा रिटर्न, रेंट ऑफ रिटर्न कमाना हो, दुकान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दुकान का भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। दुकान का साइज इसमें 427, 441, 810, 1088, यानी कि 427, 441, 810, 810 और 1088, ऐसे 4 साइज में दुकानें यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग 1.70 CR to 5.44 CR, 1.70 करोड़ से लेके 5.44 करोड़ के बीच में यहाँ पे आपको दुकानें अवेलेबल है। पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो 800,000 का पार्किंग है। ये मैंने एक टेंटेटिव प्राइस आपको दिया है, ताकि एक आपको अंदाजा रहे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना है तो ये बजट में आपको जाना है। वैसे भी ये बॉटम प्राइस नहीं है, अगर आप बॉटम प्राइस जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, वहाँ पे मैं और मेरी बैक ऑफिस सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों, एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100-250 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे, तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं, भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं, उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता, एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा, उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपया बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ रहे तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा।
वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20 30 50 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है, तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देखे भी कई बार आ चुके हैं, ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं, कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। आज के वीडियो में प्राइड पनोरमा का इन्फॉर्मेशन इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप घर बैठे सारा प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। न्यू प्रोजेक्ट के अलावा भी हमारे पास रीसेल में कभी अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, साथ ही साथ जो लोग लोन ले लेते हैं ईएमआई पे नहीं कर पाते हैं उसमें बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो आती है 30-40% डिस्काउंट पे होता है, अर्जेंट सेल में भी किसी को प्रॉपर्टी सेल करना है, इस टाइप के सारे प्रॉपर्टी का डिटेल वीडियो के साथ हम लोग अपने चैनल पे डालते हैं। आप सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी मैं डालूंगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप उसका फायदा ले पाएंगे। ऐसे हजारों लोगों को हमने ये फायदा करवाया है। दोस्तों कभी आपको हमारा ऑफिस देखना हो किस टाइप के है, हमारी टीम साइज क्या है वगैरह, तो ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है और हमारे इस राउंड बटन को दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड दो वीडियो हमने यहाँ पे डाला है, इस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं ऊपर और नीचे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।